एंड दिस इज शशि, वेलकम टू लर्निंग स्पा। तो वैदिक मैथ्स की इस क्लास में आज हम 9th सीरीज का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कुछ टर्म्स है वो पता होनी चाहिए और 9th सीरीज का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। 9th सीरीज मतलब 9, 99, 999, 4 times of 9 and so on। तो इनसे हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करें तो विद इन अ मिनट आंसर कैसे आता है। पहले उससे पहले दो टर्म्स समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास है 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 and 9। तो इसमें 999 को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये है हमारा मल्टीप्लायर। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है हमारा मल्टीप्लिकेंट। बार बार ये टर्म यूज होंगी, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आगे पीछे भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। तो इस सीरीज में जो है, इस केस में हमारे पास 3 केस और बनते हैं। वो क्या है पहले हम उन्हें जानते हैं। फर्स्ट केस जो बनेगा वो बनेगा जब नंबर ऑफ डिजिट इन मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर इज सेम। नंबर ऑफ डिजिट मीन्स 1, 2, 3, 3 डिजिट्स यहां पर है इस नंबर में, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स 9th सीरीज में, तो बोथ आर सेम, देन हम ये ट्रिक फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी, जो अभी हम जानेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, जो मल्टीप्लिकेंट है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस वन कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3, 4, 4। इसमें से माइनस वन करा तो हमारे पास क्या बचा, 3, 4, 4। अब इस 3, 4, 4 को हम आंसर के लेफ्ट साइड पर लिख देंगे। अब जो ये 3, 4, 4 है इसको डायरेक्ट उठाकर 9th सीरीज में से क्या कर देंगे, माइनस। तो 9 minus 4 is 5, 9 minus 4 is 5, 9 minus 3 is 6। और इस आंसर को उठाकर हम राइट साइड पर लिख देंगे, तो यही हमारा हो गया आंसर। बस इसको कुछ नहीं करना था, बस 1 माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको 9th सीरीज में से माइनस कर देना, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 6, 7, 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 9, 9 and 9। तो सिंपल वही, सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट सेम है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों में सेम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल माइनस वन फ्रॉम द मल्टीप्लिकेंट। तो 6, 7, 8, 2 माइनस वन करा तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर लेते हैं, 6, 7, 8, 3 में से माइनस वन करा तो क्या बचेगा, 6, 7, 8, 2। अब इस 6, 7, 8, 2 को माइनस कर देंगे 9 की सीरीज में से, तो 9 minus 2 is 7, 9 minus 8 is 1, 9 minus 7 is 2, 9 minus 6 is 3। दिस इज आवर आंसर। है ना इजी ट्रिक, और इससे टाइम भी हमारा कम लगेगा और आंसर के गलत होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब जो दूसरा केस बनता है उसमें वो ये बनता है, जो दूसरा केस है उसमें ये बनता है, वेन 45 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 and 9। जब मल्टीप्लिकेंट में कम डिजिट हो और मल्टीप्लायर्स में नंबर ऑफ डिजिट ग्रेटर हो, मतलब मल्टीप्लिकेंट जो है, डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेंट, डिजिट जो है मल्टीप्लिकेंट में लेस देन हो डिजिट इन मल्टीप्लायर। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस डिजिट्स इक्वल कर लेनी है। यहां पर 1, 2, 3 डिजिट है, इधर 1 और 2, तो इधर एक 0 पुट कर देंगे, नंबर ऑफ डिजिट दोनों में क्या हो गया, इक्वल। तो सिंपल वही 45 minus 1, 44। अब इस 44 को माइनस कर देंगे 9th सीरीज में से, तो 9 minus 4 is 5, 9 minus 4 is 5, 9 minus 0 is 9। तो दिस इज आवर आंसर।
उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो है हमारे पास बनता है 3 4 5 ले लिया हमने शायद, ले ली 9 6 9 3 7 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9 9 9 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है दोनों में, 1 2 3 4 इधर है 4, इधर है 1 2 3 4 5 6 इधर है 6। तो सिंपल वही 4 है तो 2 जीरो और लगा देंगे आगे, और इसमें से क्या कर देंगे माइनस 1, तो 6 9 3 7 में से माइनस 1 करेंगे तो 6 9 3 6 बचेगा। अब 6 9 3 6 को हमें सिंपली इसमें से क्या कर देना है माइनस, तो 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 0 इज 9। दिस इज आवर आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी सीरीज का जो केस 3 बनेगा, उससे पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, वो ये है कि 9 को हम और क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1। तो बस इस ट्रिक में हमें यही पता होना चाहिए, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 87 मल्टीप्लाई बाय 387 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 9, तो अब मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ डिजिट्स लेस है। इसमें अब हम इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते आगे, नहीं तो हमारे 9 की सीरीज नहीं बन पाएगी। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, 387 मल्टीप्लाई बाय, अब हम 100 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सॉरी 99 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1, तो सिंपल 3। अब 387 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 100 से, देन माइनस मल्टीप्लाई 387 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 387 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 387 00 माइनस 387 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 387 ही आ जाएगा। अब जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करना तो ऑब्वियसली आता ही होगा, तो 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 8 इज 1, 6 माइनस 3 इज 6, 8 का 8 3 इज 3। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो इसी तरीके की और भी ट्रिक्स और मजेदार ट्रिक्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।